हेलो फ्रेंड, चलिए आज बात करते हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की। तो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया फ्रेंड, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट डिक्लेयर डेट, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो दिया है फ्रेंड आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट 2021, पोस्ट नेम आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे एंड रिजल्ट डेट। तो आरआरबी ने अपना रिजल्ट डेट जो है फ्रेंड, रिजल्ट मतलब कब डिक्लेयर होगा, तो उसका डेट अनाउंस कर दिया है आरआरबी ने। तो चलिए उसके बारे में जानेंगे। आरआरबी का जो ये CBT 2, सेकेंड CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड, उसके बारे में आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डेट रिलीज कर दिया गया है, तो उसके बारे में जानेंगे। CBT 2 एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, CBT 1 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा फ्रेंड, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इस वीडियो में सारा आरआरबी एनटीपीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आरआरबी का रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है उसके तरफ से क्या ऑफिशियल भी नोटिस आया है, तो उसके बारे में जानेंगे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो दिया है फ्रेंड पोस्ट डिस्क्रिप्शन इंडियन रेलवे, पोस्ट डिस्क्रिप्शन इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे विल बी पब्लिश्ड रिजल्ट फॉर इंडियन रेलवे एनटीपीसी सीबीटी रिजल्ट 2021 फॉर 35,208 पोस्ट इंटरेस्टेड पीपल डाउनलोड रिजल्ट। तो इसका जो है वो इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने अपना जो है वो रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। इंस्ट्रक्शन फॉर डाउनलोडिंग आरआरसी रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट 2019। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। इन ऑर्डर टू डाउनलोड देयर आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट, कैंडिडेट्स नीड टू गो टू द इम्पोर्टेंट लिंक्स सेक्शन प्रोवाइडेड बिलो। उसके बाद फिर दिया है फ्रेंड, आफ्टर गेटिंग द लिंक कैंडिडेट्स नीड टू क्लिक इट फॉर द डाउनलोडिंग देयर आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट। उसके बाद फिर दिया है फ्रेंड, कैंडिडेट्स विल बी रीडायरेक्टेड टू लॉग इन पेज, हियर दे नीड टू प्रोवाइड देयर फॉलोइंग डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉग इन आई डी, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, कैप्चा कोड। तो ये सब आपको फिलअप करना है फ्रेंड। उसके बाद आपका रिजल्ट का जो डेट वगैरह है वो शो करने लगेगा। रिजल्ट का डेट आपका कब का है वो जानेंगे इस वीडियो में फ्रेंड। चलिए देखते हैं। तो दिया है फिर फ्रेंड, आफ्टर प्रोवाइडिंग देयर डिटेल्स अप्रोप्रिएटली कैंडिडेट्स विल बी एबल टू डाउनलोड देयर आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट। उसके बाद फिर दिया है फ्रेंड, कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट फॉर द ऑफिशियल साइट ऑफ द आरआरबी। तो इसमें बेसिकली फ्रेंड आपको इसका रिजल्ट जानने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉग इन आई डी और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा ये सब फिलअप करना है फ्रेंड। तो उसके बाद आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड। वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए इम्पोर्टेंट डेट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें फिर दिया है फ्रेंड, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट 2021, पोस्ट नेम आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे, www.sarkariujala.com से यहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं फ्रेंड, या फिर www.sarkaririzult.com वहाँ से जाके देख सकते हैं फ्रेंड, या तो डायरेक्ट आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेट्स। एडमिट कार्ड जो आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड जो रिलीज हुआ था फ्रेंड, वो 24 दिसंबर 2020 को हुआ था फ्रेंड एडमिट कार्ड। उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था वो फ्रेंड, वो CBT 1 एग्ज़ाम डेट जो था फ्रेंड, वो CBT 1 एग्ज़ाम डेट जो था फ्रेंड वो 28/12/2020 यानी 28/12/2020 टू 31/7/2021 मतलब 28/12/2020 से लेकर 31/7/2021 तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था फ्रेंड। और CBT 1 में 7 फेज तक इसका एग्ज़ाम चला था फ्रेंड। तो फी रिफंड के लिए जो अप्लाई डेट था फ्रेंड वो 11 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2021 तक था फ्रेंड। तो और आंसर की जो इसका रिलीज हुआ था फ्रेंड, उस 16 अगस्त 2021 को हो गया था फ्रेंड। और रिजल्ट डेट जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसका आप लोग का इंतज़ार था, आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट डेट है वो कब रिलीज किया जाएगा। तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट डेट डिक्लेयर कर दिया है। तो 15 जनवरी 2022 को इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा फ्रेंड। जी हाँ,
15 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा फ्रेंड, और सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है फ्रेंड। CBT 2 का जो एग्ज़ाम है डेट है वो 14 से 18 फरवरी 2022 तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा फ्रेंड। रिजल्ट जो है 15 तारीख को आएगा, 15 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो भी कैंडिडेट उसमें उसे पास होंगे उसका एग्ज़ाम 14 से 18 फरवरी 2022 तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स कुछ देख लेते हैं फ्रेंड, पोस्ट नेम आरआरबी रेलवे एनटीपीसी, तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर चलिए अब देखते हैं आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का जो ऑफिशियल ऑफिशियल नोटिस आया है तो उसके बारे में चलिए देखते हैं फ्रेंड। तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स सेंट्रलाइज इंपॉर्टेंट नोटिस दैट इज CEN 01/2019 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस 1 CBT 1 रिजल्ट एंड CBT 2 शेड्यूल। तो इंपॉर्टेंट नोटिस है फ्रेंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये पब्लिश किया गया है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज CBT 1 वॉज हेल्ड इन द 7 फेज फ्रॉम द December 28, 2020 टू July 31, 2021। इसका जो पहला CBT 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था फ्रेंड वो 7 फेज में हुआ था, और इसका जो एग्ज़ाम डेट था जैसे कि पहले आप लोगों को बताएं फ्रेंड 28 दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई तक इसका एग्ज़ाम चला था, 31 जुलाई 2021 तक इसका लास्ट एग्ज़ाम चला था फ्रेंड। उसके बाद फिर दिया है फ्रेंड द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 इज करेंटली अंडर प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स आर द टेंटिवली शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी बाय January 15, 2022। तो ये ऑफिशियल नोटिस है फ्रेंड, नोटिस आरआरबी का ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है कि इसका रिजल्ट जो है फ्रेंड वो 15 जनवरी 2022 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा फ्रेंड। और इसका जो फिर है द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज CBT 2 एग्ज़ाम फॉर द कैंडिडेट्स हु गेट द शॉर्टलिस्टेड इन CBT 1 इज द टेंटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम द February 14 to 18, 2022 सब्जेक्ट टू द प्रिविलेजिंग द कंडीशन एंड द गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द व्यू ऑफ द हैंडिंग ऑफ द COVID-19 पैंडमिक। उसके बाद फिर दिया है फ्रेंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट और RBS फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट गेट मिसलीड बाई द अनऑथोराइज सोर्स। और इसका ये जो है ये चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है फ्रेंड, और ये 5 दिसंबर 2021 को पब्लिश किया गया है फ्रेंड। तो इसमें हम लोग मेन दो चीज़ पे फोकस करना था कि इसका रिजल्ट कब आएगा आरआरबी एनटीपीसी का, और इसका जो तो वो रिलीज कर दिया गया है फ्रेंड। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 15 जनवरी 2022 को इसका रिजल्ट आएगा फ्रेंड, और इसका जो जो उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे यानी कि जिसका जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे फ्रेंड, उसका सेकेंड फेज का एग्ज़ाम जो है CBT 2 का एग्ज़ाम वो है फ्रेंड 14 से 18 फरवरी 2022 तक उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।